Censored viewers, welcome back to another video of the series. तो जैसा कि हम जो है अब कॉमन गैप भी हमें पता चल गया, हमने सीख लिया कॉमन गैप क्या होता है. अगर नहीं सीखी हो तो लास्ट वीडियो में वही डिस्कस किया था. अभी तक हमने जो है टेक्निकल एनालिसिस की हम बात करें, टेक्निकल एनालिसिस में हम समझ चुके हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैंडल स्टिक क्या होती है, रिवर्सल पैटर्न क्या होता है. उसके बाद जो है लास्ट वीडियो में मैं आपको गैप के बारे में बता रही थी, और गैप में जो है हमने सबसे पहला गैप जो डिस्कस किया था दैट इज कॉमन गैप. कॉमन गैप हमारा क्लियर हो गया, हमें अच्छे से पता चल गया कि क्या होता है. अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट गैप की ओर, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी ब्रेकअवे गैप के बारे में. अब ब्रेकअवे गैप जो है वो भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेकअवे गैप जब भी आता है ना तो आपको एक ट्रेंड में परिवर्तन दिखता है. तो अब सबसे पहले हम ब्रेकअवे गैप के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर एक्चुअली वो होता क्या. अब जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है ब्रेकअवे गैप, तो जो भी आपका एसेट है जिसमें भी जो भी आप जिसका देख रहे हैं चार्ट, तो वो जब एक जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, जिस फ्लो में चल रहा है, जो सा एसेट जो है जिस ट्रेंड में चल रहा है, जो भी मतलब उसका चार्ट कंटिन्यूअसली चल रहा है, अब वो उस प्राइस रेंज को तोड़ के जब एक नया जो है एक सेट करता है और बीच में फिर वो जो गैप आता है उसको हम बोलते हैं ब्रेकअवे गैप. सिंपल लैंग्वेज में बात करें प्राइस रेंज में जो एक नॉर्मल चल रहा है, जो भी पैटर्न फॉलो कर रहा है, जो भी ट्रायंगल पैटर्न फॉलो कर रहा है, उसको ब्रेकआउट करके वो जो है एक नए विग्रेस मूवमेंट उसमें आती है. एक मतलब जिसे हम कह सकते हैं ना यूजली जो है अप ट्रेंड की ओर ही जाता है, या फिर उसके जो आपको ना वहां पर ट्रेंड के जब वहां पे वो ब्रेकआउट होगा, ब्रेकअवे गैप आएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड जाने वाला है. तो इस गैप से हम पता लगाते हैं. अब इसमें जो है दो डेफिनेशंस हैं, वो पॉइंट्स जो है आपको कवर कर देती हूँ, उसके बारे में बता देती हूँ. सबसे पहले अ ब्रेकअवे गैप अकर्स व्हेन द प्राइस गैप्स अबव रेजिस्टेंस और गैप बिलो द सपोर्ट. अब देखो कहने का मतलब क्या है कि जो गैप है ये तब क्रिएट होता है या तो वो जो है रेजिस्टेंस से अबव या फिर गैप्स बिलो द सपोर्ट. अब यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो कहने का मतलब ये है कि या तो जो गैप से जो ब्रेकअवे गैप आया है अब या तो उससे अप ट्रेंड होगा या फिर डाउन ट्रेंड होगा, या तो वो रेजिस्टेंस से अबव जाएगा या फिर सपोर्ट से नीचे जाएगा. तो यहाँ पर जो है इस मतलब पॉइंट का कहने का मतलब ये है. नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, दैट इज ब्रेकअवे गैप ऑफन अकर अर्ली इन अ ट्रेंड एंड शो कन्विक्शन इन द न्यू ट्रेंड डायरेक्शन. ब्रेकअवे जो भी कोई ट्रेंड आने वाला होता है उससे पहले हमेशा आपको ब्रेकअवे गैप दिख जाएगा. और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अगर ब्रेकअवे जो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकअवे गैप अगर ट्रेंड के साथ है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बिगनेस मोमेंट के और प्राइस जो है काफी इंक्रीज होगा और आपको काफी प्रॉफिट जो उसमें गेन हो सकता है. तो इस तरह से अगर हमें ब्रेकअवे गैप पता हो क्या है या फिर कब होता है कि उससे अप ट्रेंड होने वाला है डाउन ट्रेंड होना, तो उसके हिसाब से जो है ट्रेड कर सकते हैं. और हमें ट्रेड जो है हमेशा अपने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से करना चाहिए, हमेशा समझ के करना चाहिए, अपने चार्ट को देख के करना चाहिए, जिसमें मतलब जो भी प्राइस जो भी आपका एसेट है उसके चार्ट, उसके प्राइस चार्ट, प्राइस रेंज को देखकर. तो इसलिए से जो है ये टेक्निकल एनालिसिस जो है अहम भूमिका निभाता है. इसलिए हम प्रेफर जो मोस्टली जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस हमेशा प्रेफर करते हैं कहीं पर भी ट्रेड, किसी भी ऐसे में ट्रेड करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले. तो आपको ब्रेकअवे का मतलब समझ आ गया, ब्रेकअवे गैप होता गया. अब मैं आपको चार्ट पर जो है मैं अच्छे से समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ. हम एक चार्ट लेते हैं जिस पर मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी कि किस तरह से जो है ब्रेकअवे गैप दिखता है और उसके बाद जैसे कि क्या पॉसिबिलिटी होती है, तो आपको कैसे एनालाइज करना. ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे जो है मैंने ये चार्ट लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है डाउन ट्रेंड कॉन्टिन्यूसली चल रहा था एसेट का, वो एकदम से वो ब्रेकअवे आया. यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेकअवे, आप यहाँ देख सकते हो राइट, गैप के कारण प्राइस मूवमेंट बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ. अब इनसे ये जो प्राइस है थोड़ा और फिर या फिर हम और ऊपर गया, देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है पहले थोड़ा सा ऐसे अप जाने के बाद थोड़ा डाउन भी आया, एंड देन हमें जो है इसकी पोजीशन अप ट्रेंड में दिख रही है. यानी तो ये ऊपर ही गया, तो अगर हम शॉर्टर टाइम के लिए यहाँ पर अगर देख रहे होते तो फिर वो अगर किसी ने भी अगर इसमें इन्वेस्ट किया है कुछ भी, तो अगर वो शॉर्टर टाइम के लिए देख रहा होता, वो देख रहा होता कि यार प्राइस जो है काफी ड्रॉप हो गया है. बट अगर हम इसे लॉन्ग टाइम के लिए देख रहे होते तो इसमें प्राइस जो है आगे जाकर काफी बढ़ रहा है. तो दूसरी चीज वो जो देखनी है आपने वो ये होती है कि इसकी वॉल्यूम सपोर्ट कितना कर रहा है, यानी कि कितना वॉल्यूम जो है वो सपोर्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, राइट. अब ये हमने देख लिया. उसके बाद और अदर थिंग, ब्रेकआउट ग्रुप को जनरली बहुत टाइम लगता है. यानी कि अब हमने पिछले उसमें बात करी थी कॉमन गैप्स के बारे में. कॉमन गैप्स में मैंने आपको ये बताया था कि वो जनरली फील हो जाते हैं और मतलब उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब विद इन मंथ्स जो है वो यूजली कॉमन गैप्स फिल हो जाते हैं.
पर अगर मैं आपको ये ब्रेकआउट ब्रेकअवे गैप्स के बारे में बताऊँ तो इनमें जनरली काफ़ी टाइम लग जाता है कई बार, और कई बार ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि ये फिल नहीं होते, बट यूजली ये हो जाते हैं फिल, क्योंकि जब भी जैसे आप देख सकते हैं ये ब्रेकअवे ब्रेकआउट गैप्स होते हैं ना, तो वो एक नया ट्रेंड लेकर आते हैं, एक नया ट्रेंड रिवर्सल करते हैं, मतलब जैसे कह सकते हैं अगर जैसे अप ट्रेंड चला गया तो इसके बाद अगर बियर आता है फिर उसके बाद से जो है वो जो गैप है वो क्लोज करेगा, पर जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने बताया कि हर बार टेक्निकल एनालिसिस में आप देखोगे कि जरूरी नहीं होता कि हर बार जो है गैप फिल हो, दैट डिपेंड कि कितना बड़ा जो है गैप है और उसको कितना टाइम लगेगा, मतलब वी कैन से कि हाँ वो फिल हो जाते हैं, मे बी दे विल टेक टाइम अ लिटिल बिट लॉन्गर। अब जैसे कि हम ना इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो इस गैप को टोटली फिल नहीं कर पाए, यहाँ से जो है स्टार्ट हो जाती है कैंडल, दोबारा उसे अब ट्रेंड में मतलब कि जो था वो शुरू हो गया, बट फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद एक दो महीने दो तीन महीने लग जाए इस ब्रेक को, इस जो ये बीच में ये ब्रेक अवे गैप है इसको फिल होने में, पर ये होगा जरूर, बट दैट डिपेंड्स करता है कि वो कितना बड़ा ब्रेकआउट था, उतना टाइम उसको लगेगा, दैट्स इट। आपको ट्रेड भी इसी हिसाब से करना है, यानी कि अब जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको देखना है कि वो जो ब्रेकआउट गैप है, मतलब ब्रेकअवे गैप जो है ये बीच में ब्रेकआउट जो हुआ है, सबसे पहली बात कि डायरेक्शन में है, आप अपने ट्रेड को उसी के डायरेक्शन में लगाओगे, आप ये देखोगे कि वो अप ट्रेंड में जा रहा है डाउन ट्रेंड, और वो आपको उससे पता चल जाएगा कि जो उसकी स्टार्टिंग की जब गैप आएगा उसके बाद जो प्राइस किस रेंज में चल रहा है, तो आपको डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि कॉमन गैप और जो ब्रेकअवे गैप है उसमें जो है आपको ट्रेडिंग एक्टिविटी बिल्कुल रिवर्सिबल हो जाती है, राइट, रिवर्स हो जाती है, सो उसी के अकॉर्डिंग जो आपको डिसीजन लेना है कि आपको जो है ट्रेड कब करना है और कैसे करना है इसको एनालाइज करके। तो ये था हमारा ब्रेकअवे गैप, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि ब्रेकअवे गैप जो है किस तरह से दिखता है आपके चार्ट में, अगर आप किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करा हुआ होगा या किसी की भी अगर आप प्राइस रेंज देख रहे हैं और अगर ऐसा गैप देख रहे हैं तो अब आपको पता है कि वो जो है ब्रेकअवे गैप है, और उसके बाद अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड या जो भी आता है ट्रेंड के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ रहा है ब्रेकअवे, और उसके बाद आपको ये भी पता है कि इससे जो है यूजली ट्रेंड रिवर्सल होता है। So, अभी हमने जो है ब्रेकअवे गैप के बारे में समझ लिया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है दूसरे हम गैप के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में भी ऐसे इन ब्रीफ समझेंगे, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एनालाइज करना है और ये सब। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेशनल होगी, तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।